हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज फैशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने स्लीव बना ली है। इसकी वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी बनने के बाद। ये देख सकते हैं, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, मैंने मोती लगाई हुई है, इसकी जगह आप बटन भी यूज कर सकते हैं। और ये गर्ल टॉप में, ब्लाउज में ये स्लीव बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए, इसका लुक पहनने के बाद इस तरीके से आएगा बॉय स्टाइल में। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत इजी है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो स्लीव की लेंथ रखेंगे 7 इंच, साथ में आधा इंच ऊपर के लिए सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। 7.5 पे निशान लगाने के बाद एक शेप का निशान लगा लेंगे हम। ये हमने 3.5 पर लगाया, ये देखिए, ये हमने 3.5 पे लगाया और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे स्केल से। स्लीव बॉटम लेंगे। तो ये जो डिजाइन है इसमें स्लीव बॉटम थोड़ा लूज ही रखा जाता है, तो हम ये रखेंगे 6 इंच। और शेप के लिए लेंगे हम, आर्म होल की शेप के लिए लेंगे 7.5 इंच। ये 34 साइज के लिए है और इस वाले निशान को इस निशान से मिलाएंगे। स्लीव को शेप देंगे। स्लीव को शेप देने के बाद यहां से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच हमारा तैयार आएगा, आधा इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो हम यहां 4.5 पर निशान लगाएंगे। यहां से भी हम 4.5 पर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। निशान को सीधा करने के बाद इस वाले निशान को हम ऐसे कर देंगे और अब स्लीव की कटिंग करेंगे। मार्जिन लेंगे, ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब ये इस वाले निशान को हम ऐसे फोल्ड करेंगे अच्छे से, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग बाद में करेंगे। एक कट यहाँ लगा लेंगे और एक कट हम फिटिंग का लगा लेंगे। 2.5 इंच लंबी ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। अब इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इस पट्टी को ऐसे और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे और सिलाई लगाएंगे। ये हमने पट्टी में सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव को ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद स्लीव का सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर निकल गया, हमारा सेंटर स्लीव का इधर आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम स्लीव को ऐसे, जो हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था उसको ऐसे करेंगे इस तरीके से और ऐसे
ये बहुत ही इजी डिजाइन है, आप आराम से इसे सीख सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पर आने के बाद हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, इधर सेंटर में इस तरीके से, और सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से भी सिलाई लगा ली। ये कटिंग करने के बाद हम ऐसे इस तरीके से देखिए ऐसे प्लेट डालने के बाद इस पट्टी को ऐसे लेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, और हम बैक में ये पट्टी हमारी बड़ी है तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इस तरीके से, और हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखिए तो स्लीव को और सुंदर बनाएंगे। सुई लेंगे और कुछ मोती लेंगे, ये देखिए आप अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग लगा सकती हैं। यहाँ से मोती लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।